गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड सेफ एट योर होम। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरा नाम मोनिका है। मैं इस चैनल पर फैशन, ब्यूटी, DIY, चैलेंजेस इस तरह की वीडियो शेयर करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल बटन होगा उसको भी ज़रूर हिट कर देना ताकि जब भी मैं कोई भी न्यू वीडियो डालूँ तो आप उसे बिल्कुल मिस ना करो, आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज का वीडियो होने वाला है इस मेकअप लुक के ऊपर और ये मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये के अंदर। यस, तो आज हमारा बजट थोड़ा टाइट है बट इस तरह का मेकअप कुछ स्टैंड आउट हुआ है तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आप देखना चाहते हो कि ये मेकअप मैंने कैसे क्रिएट किया है तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखते रहना, तभी आपको पता चलेगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ माई बेयर फेस। मैंने अपने फेस का अच्छे से स्किन केयर कर लिया है। वो स्किन केयर जो मैंने अपने शॉर्ट वीडियो पे अपलोड किया है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख सकते हो वहाँ जाके। तो मैंने स्किन केयर इसलिए कर लिया क्योंकि आज हम जो प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाले हैं अपने फेस के लिए वो बहुत ज़्यादा चीप हैं, 10 रुपये के अंदर हैं, तो उनकी क्वालिटी अच्छी होगी या नहीं होगी इसलिए मैंने स्किन केयर अपने फेस पर अच्छे से कर लिया है ताकि वो प्रोडक्ट्स मुझे बिल्कुल भी हार्म ना करें। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो जो पहला प्रोडक्ट हम अपने स्किन पे लगाने वाले हैं वो है मॉइस्चराइजर। तो मॉइस्चराइजर के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये जॉय की स्किन फ्रूट्स। ये मुझे 10 रुपीज़ के अंदर लोकल मार्केट में ही मिली है तो हम इसी को अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई करेंगे। और आप देख सकते हो ये बिल्कुल सील पैक है, मैंने इसको अभी तक ओपन नहीं किया है। सो गाइस एज यू कैन सी मैंने इसको अच्छे से ओपन कर लिया है और ये कुछ इस तरीके के टेक्सचर में है वाइट कलर की, तो हम इसी को अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा थिक है ये मॉइस्चराइज़र तो अच्छे से फेस को मॉइस्चराइज भी करेगा और इसकी स्मेल बहुत अच्छी है गाइस। और इसकी स्मेल वाओ, एज यू कैन सी कितने अच्छे से ये फेस को मॉइस्चराइज कर रही है। सो गाइस ये क्रीम मुझे अंडर 10 रुपीज़ काफ़ी अच्छी लगी है, काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज करती है आपके फेस को और ऐसा बिल्कुल भी पैची नहीं बनाती, बिल्कुल लाइट वेट लगती है। ऐसा लगता ही नहीं कि आपने कुछ अच्छा मॉइस्चराइजर नहीं लगाया है, बहुत ही चीप क्वालिटी का लगाया है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस आप देख सकते हो मेरा फेस अच्छे से मॉइस्चराइज हो गया है। नेक्स्ट फाउंडेशन, मुझे 10 रुपये के अंदर कोई भी फाउंडेशन नहीं मिला तो जो मैं लेके आई वो है ये पॉन्ड्स की वाइट ब्यूटी। ये थोड़ा बहुत कवरेज आपको दे देगी तो 10 रुपये के अंदर मुझे सिर्फ यही मिली है तो हम इसी को यूज़ करेंगे। मतलब कुछ हल्का बेबी पिंक कलर का कलर है इसका, इस बहुत ही लाइट टेक्सचर लग रहा है, पता नहीं कवरेज देगी भी कि नहीं। मुझे तो लग नहीं रहा ये बिल्कुल भी कवरेज दे रही है बट कोई नहीं। सो मैंने अच्छे से क्रीम अप्लाई कर ली है और मुझे बिल्कुल भी कवरेज नहीं दिया है इसने, तो हम पाउडर से थोड़ा कवरेज बिल्ड करने की कोशिश करेंगे बिकॉज और कोई चारा हमारे पास है नहीं। पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ ये पॉन्ड्स का ड्रीम फ्लावर फ्रेग्रेंट टैल्क और ये मुझे 10 रुपीज़ के अंदर ही मिला है तो हम इसी को यूज़ करेंगे। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये ब्यूटी ब्लेंडर सर लेंगे। तो मैंने पाउडर अच्छे से लगा लिया है, अब हम इसको ब्लेंड करते हैं फिर देखते हैं कवरेज अगर कम होगा तो हम और अप्लाई कर लेंगे। आई थिंक मुझे थोड़ा सा और पाउडर लगाने की नीड है बिकॉज अभी भी जो पिगमेंटेशन है वो दिख रही है तो मैं थोड़ा सा और लगा लेती हूँ। डन, ऑर्डर अच्छे से लगा लिया है मैंने और जितना भी कवरेज है ठीक ही है, चलो कोई बात नहीं। लिप बाम के लिए मुझे मिली है ये वैसलीन तो मैं इसी को यूज़ करूँगी और ये मुझे अंडर 10 रुपीज़ ही मिली है तो इससे हम अपने लिप्स को पहले अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेते हैं। सो अब बारी आती है अपने आईब्रोज को फिल करने की, तो आईब्रो को फिल करने के लिए मैं ये आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। ये भी कोई लोकल ही ब्रांड है, पता नहीं इसका नाम भी ढंग से नहीं लिखा हुआ, तो ये भी मुझे 10 रुपीज़ के अंदर मिली है और लकीली मुझे ब्राउन कलर मिल गया बिकॉज ब्लैक कलर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आईब्रोज के लिए, तो
तो हम इसी को यूज़ करने वाले हैं आईब्रोज को फिल करने के लिए। तो अब देख सकते हो इट्स डन अ वेरी नाइस जॉब, काफ़ी अच्छे से आईब्रोज को फिल किया है और काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है। मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकेंड, एज यू कैन सी कितनी ज़्यादा पिगमेंटेड है ये। तो हम दूसरे आईब्रो पे भी इसी तरह कर लेते हैं। तो गाइज वी आर डन विद आर आईब्रोज और अब इसके बाद बारी आती है आई शेडो की। तो आई शेडो के लिए मुझे कोई आई शेडो पैलेट तो मिलेगा नहीं 10 रुपये के अंदर, तो मुझे ना आई पेंसिल्स मिली है इस तरीके की, ये 10-10 रुपये के अंदर मुझे मिली है। तो इसी को यूज़ करने वाले हैं आज हम आई शेडो के लिए। तो सबसे पहले मैं ये ब्राउन शेड ले रही हूँ एज अ ट्रांजिशन शेड और देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता। हम इसको ना यहाँ पर अपने क्रीज पे लगाने वाले हैं अच्छे से। और ये पेंसिल काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है और अच्छे से ब्लेंड भी हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। तो गाइज एज यू कैन सी कि मैंने इसको अच्छे से अपनी क्रीज में लगा लिया। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे एक ब्रश की हेल्प से। बिकॉज ये क्रीम प्रोडक्ट है इसलिए मैं ये स्टिफ सा ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो सके। चलो ये ब्लेंड तो हो रही है किसी न किसी तरह। सो गाइज इसको ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा, बट फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि ये ब्लेंड हो जाए किसी तरह। सो गाइज एज यू कैन सी कि ये अच्छे से ब्लेंड तो हो गई है। चलो सो अब नेक्स्ट थिंग जो हम अप्लाई करने वाले हैं वो है काजल। तो काजल को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे बिल्कुल अपने आउटर वी पे, जिससे कि ना अपने आईज को एक डेप्थ मिलेगी और थोड़ा सा कलर और आ जाएगा अपने आईज के ऊपर। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये मार्स का काजल। ये बिल्कुल भी ओरिजिनल नहीं है, बहुत लोकल है और ये 10 रुपीज़ के अंदर ही मुझे मिला है। तो हम इसको सिर्फ अपने आउटर वी पे फोकस करेंगे बिकॉज ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है और बहुत जल्दी ब्लेंड होता है, तो इसलिए हम इसी को यूज़ करेंगे। तो और जब भी आप ब्लैक कलर के साथ वर्क करो ना तो उसको धीरे धीरे अप्लाई करना और धीरे धीरे ब्लेंड करना, वरना वो बहुत ज़्यादा गंदा लगने लगेगा। तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा अप्लाई करेंगे और ब्लेंड करेंगे। सेम ब्रश यूज़ कर रही हूँ उसको ब्लेंड करने के लिए बिकॉज ये ब्रश जो है वो थोड़ा स्टिफ है तो अच्छे से ब्लेंड कर देता है क्रीम प्रोडक्ट्स को। तो मैंने थोड़ा सा और काजल अपने आउटर वी पर अप्लाई कर लिया और हम इसको फिर से ब्लेंड करेंगे। गाइज एज यू कैन सी मैंने अच्छे से काजल लगा लिया और मुझे इससे ज़्यादा पिगमेंट नहीं चाहिए। सो नेक्स्ट थिंग मैं यूज़ कर रही हूँ ये ग्रीन कलर की आई पेंसिल, ये ADS की है और ये भी मुझे 10 रुपीज़ के अंदर मिली है। तो हम इसको क्या करेंगे अपनी 1/3 आई लिड पे यहाँ तक प्लेस करेंगे और इसमें थोड़ा सा शिमर है बेसिकली, तो ये अच्छा सा लुक देगी हमारी आईज को। और अभी ये जो हमारी आईज काफ़ी ज़्यादा बॉल्ड लग रही हैं तो इसलिए हम इसको यूज़ करें ताकि वो थोड़ी सी डिफाइन लगे और थोड़ा सा उनमें कलर आ जाए, थोड़ा सा स्ट्रीमर है इसमें। सो गाइज एज यू कैन सी मैंने ग्रीन आई शेडो जो है ग्रीन आई पेंसिल बेसिकली लगा लिया और इससे ज़्यादा पिगमेंट वो नहीं दे रही है। तो वैसे ठीक लग रहा है जहाँ तक मुझे लग रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लग रहा है। तो आईलाइनर के लिए हमें कुछ नहीं मिला है क्योंकि 10 रुपये के अंदर कोई आईलाइनर आपको नहीं मिल सकता। तो हम इसी काजल को अब अपने लैश लाइन के क्लोज क्लोज अप्लाई करेंगे ताकि वो एक आईलाइनर का लुक दे सके। एज यू कैन सी सो गाइज एज यू कैन सी कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो इस काजल को आप एज अ लाइनर भी यूज़ कर सकते हो, तो हम वाटर लाइन में भी इसी को लगा लेंगे। तो गाइज एज यू कैन सी कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है काजल लगाने के बाद और लाइनर लगाने के बाद आईज का लुक जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। तो हम दूसरी आई में भी इस तरह कर लेंगे। सो गाइज एज यू कैन सी मैंने अपने दोनों आईज में मेकअप कर लिया है। अब बारी आती है ब्रश और कॉन्टोर की। हम यही पेंसिल जो ब्राउन कलर की है इसी को कॉन्टोर के लिए यूज़ करने वाले हैं। एज यू कैन सी इसने हल्का बहुत ही मेरे फेस को जो है वो ब्रॉन्जर किया है और नोज को भी हम कॉन्टोर कर लेंगे इसी के हेल्प से। अब बारी आती है ब्लशर की। तो ब्लशर के लिए ये लिपस्टिक है मेरे पास और ये मुझे 10 रुपीज़ के अंदर ही मिली है, तो इसी को मैं एज अ ब्लशर लगाने वाली हूँ।
बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है और बहुत जल्दी ब्लेंड हो रही है। मैंने इसको यूज़ करके देखा था, एंड यू कैन सी इसको फटाफट से हम ब्लेंड करेंगे, एंड इट्स डन। तो अब लास्ट और मेरा फेवरेट स्टेप आता है, वो है लिपस्टिक। तो हम इसी को एज अ लिपस्टिक लगाने हैं, तो हल्का ही हल्का लगाऊंगी बिकॉज ये बहुत ज़्यादा डार्क शेड है। तो मैंने मेकअप कर लिया है और मैंने लिपस्टिक को हल्का सा लाइट कर लिया है, हल्का सा पाउडर डस्ट करके, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा चटैक सी लग रही थी। सो गाइज, आज का वीडियो बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी करना। और आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल, प्लीज़ फॉलो मी अप देयर। सो आई विल कैच यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो तब तक के लिए बाय बाय।